अगर आप इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए इंडियन प्रोडक्ट्स को, चाहे वो इंडियन कार्स हो या इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने से डर रहे हैं और ट्रैफिक से भी बचना चाहते हैं कि बार बार आपको क्लच प्लेट और गियर का यूज ना करना पड़े, और लेना चाहते हैं एक बजट कार, तो हम आपके लिए आज एक ऐसी ही वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो ऑटोमेटिक होने के साथ साथ अंडर 6 लाख आपको इजीली मिल जाएंगी। ऑटोमेटिक कारें इन दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि ऐसी कारें अब कम दामों में भी मिल जाती हैं। 6 लाख रुपए से भी कम कीमत में ऑटोमेटिक कारें मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप भी कम दाम की ऑटोमेटिक कार खरीदना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। रेनो क्विड की ये छोटी पॉपुलर कार भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिल जाती है। क्विड के अंदर भी 1.0 लीटर वाला इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाएगा। साथ ही ये इंजन आपको 67 bhp की पावर और 91 nm टॉर्क जनरेट करके देता है। ऑटोमेटिक क्विड की स्टार्टिंग प्राइस 4.50 यानी कि 4.5 लाख रुपए है। साथ ही ये आपको 24.4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज भी देती है। दूसरे नंबर पर है मारुति की सिलेरियो। कम दाम वाली ऑटोमेटिक कारों में से मारुति की सिलेरियो जबरदस्त पॉपुलर कार है। इसमें भी 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 67 bhp की पावर और 90 nm टॉर्क जनरेट करता है। इसका माइलेज 23.1 किलोमीटर पर लीटर है, और ऑटोमेटिक सिलेरियो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5.13 लाख रुपीज़, यानी कि 5,13,000 रुपए में आपको ये गाड़ी मिल सकती है। तीसरा नंबर है यहाँ पे हुंडई की सेंट्रो का। आपको बता दें कि सेंट्रो का ऑटोमेटिक मॉडल भी 6 लाख रुपीज़ से नीचे ही मिल जाता है, यानी कि अंडर 6 लाख आपको ये मिल जाता है। इसमें 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 69 bhp की पावर और 99 nm टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इस ऑटोमेटिक वेरिएंट की जो शुरुआती कीमत है वो है 5,21,000 रुपए। फ्रेंड्स, चौथा नंबर है यहाँ पर मारुति की वैगनार का। मारुति सुजुकी की नई वैगनार ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी आती है। ये कार भी आपको अंडर 6 लाख आराम से मिल जाएगी। वैगनार के दोनों इंजन यानी कि 1.0 लीटर इंजन और 1.2 लीटर पेट्रोल में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स CVT का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक वैगनार की स्टार्टिंग प्राइस 5,36,000 रुपए है, और नई वैगनार का लुक पुराने मॉडल से बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, पांचवा नंबर हमने यहाँ पे दिया है टाटा की टियागो को। 6 लाख रुपए से कम दाम में आपको टाटा की ये पॉपुलर हैचबैक ऑटोमेटिक कार भी मिल सकती है। टियागो में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि आपको 85 bhp की पावर देता है, साथ ही 114 nm टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 23.8 किलोमीटर पर लीटर है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली टियागो की शुरुआती शोरूम कीमत 5.60 लाख रुपीज है, यानी कि ये 5,60,000 रुपए में आपकी हो सकती है। तो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का। यहाँ पे मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का AMT मॉडल भी आपको अंडर 6 लाख रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि मारुति की इस सेमी अर्बन SUV के दो AMT वेरिएंट आपको अंडर 6 लाख रुपीज मिल जाएंगे। VXI AMT जो कि आपको 4.76 लाख रुपीज का, साथ ही इसका VXI प्लस AMT मॉडल, यानी कि ये जो आपको इसकी जो प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी 4.99 लाख रुपीज। इस कार के पेट्रोल वेरिएंट में आपको 21.53 kmpl की माइलेज मिल जाती है। इसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो कि 67 bhp और 90 nm टॉर्क जनरेट करता है। तो फ्रेंड्स, सोचना किस बात का, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप इस दौर में, जैसे कि अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, उसमें अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो और बहुत ज़्यादा चलाने में कोई तकलीफ भी ना हो, चाहे वो हमारी जो लेडीज़ हैं वो भी चला सकती हैं, फीमेल ड्राइवर भी इसको चला सकती हैं, मेल भी इसको चला सकते हैं, ईजिली चला सकते हैं, तो ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मेन मकसद यही होता है और आपको ये सहूलियत भी देती है। प्लस अब ऑटोमेटिक में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको इसमें एवरेज कम मिले, उल्टा कई सारे इंजन में तो ऑटोमेटिक गियर्स में आपको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आपको ज़्यादा की ही एवरेज या फिर उसको माइलेज मिल जाती है। तो बेझिझक होकर के आप अपनी कार का चुनाव कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कार आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपके बजट में है तो, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी कार लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आसपास कोई कार या बाइक एक्सीडेंट देखते हैं तो उसकी वीडियोस या फोटोज क्लिक करके हमें हमारे ईमेल आईडी karkhana25@gmail.com पर भेज सकते हैं, और लोगों तक उन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी की डिटेल्स पहुंचाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।